इंडियन आइडल में आज आ रहे हैं एक ऐसे कंपोजर लिरिसिस्ट जिनका 18 साल पहले शुरू हुआ बॉलीवुड का सफर, जिनसे हर म्यूजिकल दिल ने कहा इस दिल की धड़कन बस तुम ही हो, द सुपरहिट कंपोजर मिथुन। देखिए मैं बड़ा सेल्फिश हूँ इस मामले में, मैं ऑनेस्टली आया हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी यहाँ से कोई आवाजें लेकर जाऊँ मेरे मेरे काम के लिए, मेरे गानों के। अरे दीवानो इसे पहचानो, कहाँ से आई ये डॉन, छोटी डॉन, छोटी डॉन, छोटी 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 डॉन। बाप रे क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है। इंडिया प्रेजेंटिंग फरीदाबाद की छोटी डॉन आद्या मिश्रा। जैसे हम कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, और आज इस मंच पे ना ये एकदम प्रूव हो रहा है। हमारे साथ एक कंपोजर हैं जिन्होंने 19 या 20 साल में ये गाने को कंपोज किया, ये गाने को बनाया। हमारे साथ एक सिंगर है जिन्होंने 17 साल में इस गाने को गाया है। वाह, रियली यार फैबुलस। वंस अगेन मैं आद्या आपको ये बोलना चाहूंगा कि मेरे लिए एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस था, एक गिफ्ट है कि मैंने इस धुन को आज आपकी आवाज में सुना। क्या बात, ये आवाज आपकी इतनी रिच है, ऐसी आवाज जो है बहुत कीमती मिलती है, बहुत कीमती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर प्रेजेंटिंग आइडल के उस्ताद कोलकाता वेस्ट बंगाल से शुभदीप दास चौधरी।
पलकों में बन गया।
शुभदीप, आपकी उम्र क्या है? सर 25 सर। मैं बहुत फ़ख्र करता हूँ आपके ऊपर। जो गाना आपने गाया तो उसे ना लगा के, जब ये गाना मैंने बनाया था मैं 20 साल का था। वाह, आर यू सीरियस? क्या बात है यार, 20। मेरे फादर एक्चुअली बहुत नामी कंपोजर और अरेंजर है, श्री नरेश शर्मा, मेरे गुरु भी है। मेरा भी भाग्य रहा है उनके साथ गाने का। उनको एक्चुअली श्री मुकेश भट्ट जी ने बुलाया था जहर और कलयुग के जो म्यूजिक है वो रिकॉर्ड करने के लिए। जब पापा उस मीटिंग के लिए गए थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत यंग डायरेक्टर है और एक बहुत यंग गायक है, तो डैड ने कहा कि मुकेश जी मैं थोड़ा सा यहाँ पे उम्र दराज महसूस कर रहा, तो सही होगा कि मेरा बेटा जो एक म्यूजिशियन है मैं उसको भेजता हूँ। तो डैड ने मुझे कॉल किया, कहा कि आप इस मीटिंग के लिए जाओ। तो मैंने कहा डैड मैं नहीं जा सकता, मैं कॉमर्स के लेक्चर में हूँ। तो उन्होंने कहा कि लेक्चर ख़त्म होते साथ आप जाइए। तो मैं इस मीटिंग के लिए गया था और मैं जब उस कमरे में मैंने प्रवेश किया तो मुकेश भट्ट जी थे, महेश भट्ट साहब थे और दो युवक थे जो मुझे हम उम्र लग रहे थे। एक थे 22 साल के मोहित सूरी जो हमारे डायरेक्टर है और दूसरे थे 21 साल के आतिफ असलम जो उस गाने के सिंगर थे। आइडल जिसका परिवार भी है और घराना भी कोलकाता वेस्ट बंगाल से, अनन्या पाल। Oh.
सच कहूँ तो आपके साथ मैं भी वहाँ पर नर्वस था, क्योंकि आपने जिस जो गाना चुना है ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये गाने में बहुत आसान है नहीं, स्पेशली दिस सॉन्ग, क्योंकि गाना जितना नीचे है उतना ही ऊपर है। आपका जो बेस नोट है ए फ्लैट माइनर में बी नोट लगता है वो, और ऊपर क्रॉस एफ शार्प पे जाता है ना, बिल्कुल वो वहाँ पर वो जो नोट लगता है। तेरे बिन जो है 2006 में बनाया था, सनम रे 2016 में बनाया, राइट, और दोनों 10 साल के एक दशक के अंतर में गाने बनाए हैं। और मैं कभी भी इन दो गानों को एज अ कंपोजर एक आवाज़ में नहीं सुनना चाहता, लेकिन आज आपने इन दोनों को परफॉर्म करके यू हैव प्रूव मी रॉन्ग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।